नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उन्नाव की कुछ खास खबरों के साथ। उन्नाव मियागंज की ग्राम पंचायत कमलापुर में हुई लाखों की चोरी। चोरों ने गांव के दो घरों को बनाया अपना शिकार। आसीवन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमलापुर निवासी मनोज यादव पुत्र मुरली यादव के घर में दरवाजे की कुंडी काट कर 25,000 रुपए नकदी और लाखों के जेवरात के साथ ही साथ नरेंद्र सिंह पुत्र टुन्ना सिंह के घर से 10,000 रुपए नकदी और 200 लाख रुपए के जेवरात, आधार कार्ड समेत जरूरी कागजातों को तो रात चोर लेकर फरार हो गए, जिससे ग्राम पंचायत के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके पहले भी चोरों ने कई घरों को अपना शिकार बनाया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया। रसूलाबाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का पुनर्गठन। उन्नाव नगर पंचायत रसूलाबाद व्यापार मंडल का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव द्वारा किया गया। साथ ही साथ नवगठित कार्यकारिणी में मुन्ना गुप्ता, संरक्षक सुरेश चौहान, अध्यक्ष पद सौरभ निगम, महामंत्री रविकांत तिवारी, कोषाध्यक्ष इमरान उपाध्यक्ष और नीरज कुशवाहा को निर्विरोध संगठन मंत्री घोषित किया गया। जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारी को शपथ दिलाई। इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल के सभी जनपद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव से कुलदीप यादव की खास रिपोर्ट। लखनऊ के हजरतगंज में फिल्म आदि पुरुष को लेकर जमकर मचा बवाल। क्रोधित जनता ने हजरतगंज में आदि पुरुष मूवी का जलाया पोस्टर। हजरतगंज पुलिस ने सभी विरोधकर्ताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेजा, तो वहीं सिनेमा घरों की लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यूपी के एसपी कौशाम्बी ब्रजेश श्रीवास्तव पर महिला फॉलोवर ने लगाया छेड़खानी का आरोप। महिला ने अपने बयान में बताया कि शराब के नशे में एसपी ने जोर जबरदस्ती की और किसी से बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। बताते चले कि एसपी ने अपनी मां की देखरेख के लिए रखा था। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन सभी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।